बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत रविवार को अपने मुंबई के घर में मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि 34 वर्षीय सुशांत लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहे थे, जिस वजह से उन्होंने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिजन आत्महत्या की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। सुशांत के मामा का कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अमित शाह से हम नरेंद्र मोदी से कि एक राष्ट्रवादी युवक की हत्या हो गई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कोई भी राष्ट्रवादी आदमी, कोई भी नौजवान सुरक्षित नहीं है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। और ये इसकी तो जांच होनी चाहिए सीबीआई से। अगर सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य होगा बिहारियों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, राजपूत समाज के लिए। इसीलिए राजपूत महासभा मांग करते हैं कि माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि इसकी न्यायिक जाँच हो, सीबीआई से जाँच हो। क्योंकि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले उनका मैनेजर आत्महत्या किया था, और हत्या हुआ, और हत्या होने के बाद जिस तरह से उनको दबाव में, चाहे वो पुलिस का दबाव हो, प्रशासन दबाव हो, लोकल दबाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को दबाव में रखा, क्योंकि वो ऐसा दिलेर था, एक ऐसा दिलेर क्षत्रिय था, एक ऐसा राजपूत, वो हत्या आत्महत्या नहीं कर सकता है, उसकी हत्या की गई है। यही मांग हम आप लोगों से, मेरा नाम आरसी सिंह है, मेरा वो भांजा लगता है, और मैं आप ये मांग करता हूँ कि उसकी जाँच होनी चाहिए, और हम कुछ नहीं, दूध का पानी हो जाएगा, यही हम चाहते हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बातें साफ हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।